हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज डे है सैटरडे और अभी बच्चों के पौने नौ। अभी मैं जा रही हूँ परी और डिंकी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। तो अभी नल आया था तो पानी आया था तो पानी भर लिया है और इनका ब्रेकफास्ट हो गया है। इनका टिफिन भी लंच जो भी है वो भर दिए है, बॉटल भी भर दी। अब मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ स्कूल। तो ये तैयार हो गई है। हाय बोलो। गुड मॉर्निंग। तो परी भी हो गई है, परी भी तैयार हो गई है। कैसे दिख रही परी दिखा? हाँ, परी भी हो गई। तो मैं सोचा कि चलो अभी मॉर्निंग से स्टार्ट कर देती हूँ, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। तो फिर अभी मैं बंद कर दे रही हूँ और इनका ब्रेकफास्ट हो गया है। मैंने राय चावल ही दे दिया है इनको अच्छे से, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना नॉट अलाउ। हाँ, मास्क लगा लो। ठीक है, मिलती बाद में। फिर मैं डिंकी परी को छोड़ के आई और मेरे हाल देखे कि क्या हो गया। और मैं चाय बना के आई है और मेरे लिए ले जा रही हूँ यहाँ पे। तो हम दोनों चाय पी लेंगे। बारिश भी आ रही थी, आज तो थोड़ा कम था लेकिन दोपहर से बहुत बारिश आ रही थी। तो यहाँ पे मैं चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह कर लूँगी। फिर झाड़ू पोछा करने के बाद, कपड़े वगैरह धोने के बाद नहा लूँगी। और ये देखिए मेरा हाल है, सुबह का तो सब ऐसे रहते हैं, कोई सुबह मॉर्निंग से ही तैयार नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। तो मैं तो नहीं होती हूँ, मैं बस ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैंने है ना ये बनाया, क्या बोलते हैं, गागा। तो यहाँ पे मैं लौकी का हलवा बना रही हूँ। और लौकी का हलवा है ना, डिंकी परी बोल रही थी कि हम आएंगे तो लौकी का हलवा बना के रखना, तो इसलिए मैं बना के रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं है वहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी और पोछा लगा लूँगी, उसके बाद नहाऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। क्योंकि बच्चों के लिए तो इतने सुबह कोई नहा नहीं सकता है ना, क्योंकि उनको टिफिन देना है, फिर नल आता है पानी भरना। तो इतने सुबह मेरा नहाना नहीं होता है, मेरा 10:30 उसके बाद ही नहाना होता है। क्योंकि फिर मैं थोड़ी सी बैठती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद कस्टमर आते हैं बीच में तो उनको भी देखना पड़ता है। और फिर है ना जैसे किसी के वीडियो भी देखना है मुझे, तो मैं इस टाइम तक कर लेती हूँ। तो ये देखिए फिर यहाँ पे है ना मैं कपड़े वगैरह सब उठा रही हूँ और यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू मैंने पंखे पे जाली लगी थी। और दो पता है डेली भी अपन साफ करो ना तो एकदम जाली लग जाती है और देख ले तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो ऊपर एक हाथ फेर ही लेती हूँ, ये है। और मैं शुरुआत यही कमरे से करती हूँ मेरा झाड़ू। और यहाँ पे फिर मैं बीच वाले कमरे में भी आ जाऊँगी और फिर उसके बाद फिर मैं है ना तो ये देखिए फिर मैं झाड़ू इस कमरे से स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे वॉलपेपर और मुझे लाना है, मैंने थोड़ा और देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, इतने मतलब बादल है, बारिश ने तो इतना मतलब पागल बना के रख दिया है यार। इतनी भी बारिश नहीं अच्छी है, बिल्कुल चिपचिपा। और जो गैलरी वहाँ पे भी काई काई मच जाती है, कितना भी साफ करो तो खुला घर है मतलब क्वार्टर है तो पूरा काई काई मतलब परेशान हो गई मैं इस बार मतलब बारिश से। ये 3 साल से तो जो बारिश जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद है ना अच्छे से कचरा वगैरह, वैसे कचरा ज़्यादा होता नहीं इस कमरे क्योंकि बंद ही रखती हूँ मैं दिन भर ये कमरा, जब कस्टमर आते तभी मेरा खुलता है, नहीं तो मैं तो चालू बंद ही करती हूँ। और फिर है ना उसके बाद फिर ये देखिए मुझे पंखे में भी थोड़ी जाली लग गई थी, जाली दिख गई, तो मैं ये जाली साफ कर रही हूँ ये कुर्सी पे चेयर पे खड़ी होके। और मेरा हाथ ये छत ऐसा है कि हमारा हाथ पूर जाता है, तो ऐसे ये क्वार्टर बहुत पुराने हैं। भगवान की दया से ये मेरा अगर अच्छा यूट्यूब चलेगा तो घर भी हो जाएगा, कुछ आप साथ ही नहीं दे रहे हो क्या करें। तो ऐसा ही चल रहा है, नसीब नसीब की बात है, कोई आगे जाता है कोई पीछे रह जाता है, ऐसा ही है। तो किस्मत भी बोलते हैं इसको, किस्मत किसी की अच्छी रहती है, मेरी तो कभी किस्मत अच्छी रही ही नहीं, कभी मुझे सक्सेस जल्दी मिला ही नहीं। मतलब जब तक मैं हार्ड वर्क नहीं करूँ, जब तक मैं ज़्यादा ये नहीं करूँ, तब तक मुझे बिल्कुल मतलब फ्री में कुछ मिला ही नहीं है, ऐसा ही मेरा है। तो इस टाइप का है, लेकिन मैं फिर भी कुछ ये नहीं करती हूँ, मन में कभी मेरे ये नहीं आता है कि नहीं होगा, मैं करती रहूँगी, हार नहीं मानती हूँ, ये बात है, नर्वस भी नहीं हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि नसीब में इतना ही था, ऐसे माँ बाप के यहाँ भी और यहाँ पे भी, तो जितने में उतनी खुशी पा लेती हूँ ये है। लेकिन बस बच्चे के लिए थोड़ा सा मन होता है कि नहीं अपन को जो नहीं मिला वो बच्चों को मिलना चाहिए, तो
तो इस टाइप का ही होता था। तो यही ये रहता है, यही खुशी मिलती है। तो यहाँ पे फिर मैं पोछा भी कर ले रही हूँ, ये देखिए आपको। और आज दिन की परी नहीं है ना, तो कैमरा पकड़ने में मुझे बहुत मतलब दिक्कत होती है। ऐसा उनका बहुत आदत हो गई थी, क्योंकि 2 साल से वही, जब से कोरोना लगा। अभी बज चुके हैं 2:30 बज चुके हैं, और अभी मैंने लंच किया है। दिन की परी कर रही है लंच, आई को दे दिया था, आई बैठी है बाहर। परी नहीं दिख रही है ना, परी भी बैठी है, दिख रही है, हाँ परी दिख ही नहीं रही है। तो परी भी बैठी है और दोनों मिलके खा रहे हैं खाना। अभी लंच, अभी स्कूल से आई 2 बजे, और मैं भी उनके साथ ही खाई, क्योंकि मेरा लंच भी मैंने आज पूरे काम करके नहा के तो खाना बना लिया था। गर्मा गर्म खाना अच्छा लगता है, तो 1:30 बज चुका था मुझे खाना, आई को दे दिया था गर्म गर्म। फिर हम मैं डिंकी को लेने गई 2 बजे, और अभी 2 बजने के बाद फिर अभी सांस भरा है, अभी स्कूल से लेके आई तो बैठी हूँ, अभी खाना खा लिए, अभी थोड़ी सी बैठी हूँ, अभी आराम करती हूँ। और पता नहीं आ जाएंगे कस्टमर तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, क्योंकि अभी मतलब यहाँ से सब जो मेरे कस्टमर थे ना, वो सब अभी यहाँ से खाली करके चले गए हैं, तो कहीं दूर गए, कहीं यहाँ से गए, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा है, कोई नहीं, आ जाएंगे शाम तक। आते हैं मेरे वाले कस्टमर है, और कौन से बारिश आती है ना, बारिश की वजह से नहीं आते हैं। तो फिर अभी मैं आपको मिलती हूँ बाद में शाम को। तो वही करते थे, और ये शाम का 7 बजे। आज मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं की, क्योंकि मुझे अभी अच्छा ही नहीं लगता कि यूट्यूब में वीडियो बनाना, क्योंकि कोई देखता ही नहीं है, पता नहीं आप लोगों को क्या देखना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यार डिंकी परी बैठी थी, तो बस यही। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।